इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑसिलेटर क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आइए समझते हैं। अ सर्किट विच प्रोड्यूस ऑसिलेशन विदाउट इनपुट सिग्नल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो बिना इनपुट सिग्नल के ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है ऑसिलेटर कहलाता है। जैसा कि साइन वेव प्रोड्यूस करना, रेक्टेंगुलर वेव प्रोड्यूस करना, स्क्वायर वेव या कोई भी फ्रीक्वेंसी वाली वेव प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? ऑसिलेटर। आइए देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। अगर एम्पलीफायर के साथ में हम पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क लगाते हैं तब ये बन जाता है ऑसिलेटर। एम्पलीफायर का गेन होता है ए और फीडबैक नेटवर्क का गेन होता है बीटा। ए और बीटा ये दोनों कंपलसरी होते हैं ऑसिलेटर के लिए। और ऑसिलेटर के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है ए एन बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो एक से बड़ा या बराबर होना चाहिए फॉर ऑसिलेटर। ए होता है एम्पलीफायर का गेन, बीटा होता है फीडबैक नेटवर्क का गेन। दूसरी कंडीशन होती है फेज शिफ्ट मस्ट बी 2π और 0। इसका मतलब ये होता है फेज शिफ्ट हमेशा इन फेज और जीरो फेज होना चाहिए। इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल के बीच में फेज कितना होना चाहिए? 0 और 2π। तो यही दो कंडीशन होती है, इन्हीं कंडीशन को हम कहते हैं बारकहाउसन क्राइटेरियन ऑसिलेटर के लिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन जाता है ऑसिलेटर। थैंक यू।